हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल टेक्निकल एमकेडियर में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक सेकंड हैंड गाड़ी लेना चाहते हैं या लेने जा रहे हैं तो उस गाड़ी के नंबर से आप चेक कर सकते हैं उस गाड़ी का इंश्योरेंस है या नहीं है। तो फ्रेंड, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, गाड़ी के ओनर से भी पूछने की जरूरत नहीं है कि उसका इंश्योरेंस है या नहीं है। आप अपने मोबाइल में ही केवल गाड़ी नंबर डाल करके और चेक कर सकते हैं कि उस गाड़ी का इंश्योरेंस कितने दिनों का, मतलब कितना दिन खत्म हो चुका है और कितना दिन अभी बाकी है। तो चलिए, इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से आप चेक कर सकते हैं, अपने मोबाइल से ही केवल आप गाड़ी नंबर डाल करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, किसी भी गाड़ी के नंबर से इंश्योरेंस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन है व्हीकल इन्फो। तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। 2-3 MB का है, 3-4 MB का है, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो व्हीकल इन्फो जो ऐप है इसको मैं ओपन कर दे रहा हूँ और यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं, एंटर व्हीकल और एंटर लाइसेंस। तो आपको व्हीकल नंबर, गाड़ी का नंबर जो है वो यहाँ पे ऊपर वाले पे डाल देना होगा। तो यहाँ पे मैं जल्दी से डाल दे रहा हूँ। गाड़ी नंबर डालने के बाद फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं, सर्च व्हीकल, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। सबसे ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं ओनर का नेम आ जाएगा। बहुत सारे फेक एप्लीकेशन हैं, तो आप उसको आप प्ले स्टोर में जा करके और आप इसी ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा, या तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, ये वाला एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कीजिएगा। नहीं तो बहुत सारे फेक एप्लीकेशन हैं, यहाँ पर आप कोई गाड़ी नंबर कुछ और डालेंगे, उसका ओनर कोई और दिखाएगा। मतलब आप अपने गाड़ी का ओनर तो आप जानते ही होंगे कि आपके घर में आपके पिताजी ओनर हैं या कोई और ओनर है, लेकिन फ्रेंड आपका अपना गाड़ी का नंबर डालेंगे तो वो किसी और ओनर को दिखाएगा। तो इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, ये बिल्कुल जेन्युइन है। तो आप देख सकते हैं, मैं गाड़ी का नंबर यहाँ पे डाल दिया हूँ, ऊपर ओनर का नेम यहाँ पे आ जाएगा, कौन सी व्हीकल मॉडल यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे कई सारे RC स्टेटस दिखा रहा है और RC वैलिड ये भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड लिख रहा है, देख सकते हैं, इंश्योरेंस वैलिड अप टू 12 सितंबर 2021 को एक्सपायर हो जाएगा। तो देख सकते हैं अभी ये भी दिखा दे रहा है कि 1 month 7 days के बाद आपका जो इंश्योरेंस है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो फ्रेंड, किसी भी गाड़ी को अगर आप सेकंड हैंड बाइक ले रहे हैं या कोई भी फोर व्हीलर भी ले रहे हैं, तो आप उसको चेक कर लीजिए कि उस गाड़ी का इंश्योरेंस कितने दिनों तक अभी बाकी है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अभी अभी मैंने करवाया है, 1 महीना हुआ, 2 महीना आया, 2 महीना हुआ। तो आपको कुछ किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं, आप तुरंत ही गाड़ी का नंबर डालिए और यहाँ पे दिखा देगा कि कितना दिन बाकी है और कितने दिन बीत चुके हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ऐसा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो में बस इतना, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।